हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड की न्यूएस्ट स्टार किड सारा अली खान की, जो अपनी इथीरियल ब्यूटी और सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर से सबको इम्प्रेस कर रही हैं। सारा ने अपनी इंटरफेथ रोमांस पर बनी फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करके सभी को प्रभावित किया है। चलिए जानते हैं बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर रही बॉलीवुड की डो आईड ब्यूटी सारा अली खान की लाइफ के 10 इंटरेस्टिंग तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पहली संतान। 12 अगस्त 1995 को पैदा हुई सारा अली खान इंडियन एक्टर सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह की सबसे बड़ी बेटी हैं। सारा अली खान के दो भाई हैं, इब्राहिम अली खान और हाफ ब्रदर तैमूर अली खान। तैमूर जो कि उनके पिता सैफ अली खान और उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर खान के बेटे हैं। अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिली सुंदरता के कारण सारा को बचपन से ही मॉडलिंग और बिग स्क्रीन पर आने के कई प्रस्ताव मिले, पर उनकी माँ अमृता सिंह ने जोर दिया कि उनकी बेटी ग्लैमर वर्ल्ड में करियर बनाने से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। और सारा ने एक अच्छी बेटी की तरह हमेशा अपनी माँ की एडवाइस को माना। माँ के द्वारा परवरिश। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि सारा अली खान की परवरिश उनकी माँ अमृता सिंह की देखरेख में हुई है। जब सारा के पिता सैफ अली खान और उनकी पत्नी अमृता सिंह का डिवोर्स 2004 में हुआ था, तब सारा केवल 9 साल की थी। तब कोर्ट डिसीजन में अमृता सिंह को उनके दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम की कस्टडी सौंप दी गई और सैफ अली खान पर उनके बच्चों को देखने तक पर भी पाबंदी लगाई गई। शुक्र है अब सब कुछ बदल चुका है। सारा ने मीडिया को बताया कि अब उनके पेरेंट्स के बीच सब कुछ ठीक है और दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सारा ने ये भी बताया कि सारा के उनके पिता सैफ अली खान और उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वे उनसे मिलने भी जाती हैं और करीना कपूर खान के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है। न्यूयॉर्क में पढ़ाई। सारा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के फेमस बेसेंट मोंटेसरी स्कूल से की थी। इस स्कूल में एडमिशन लेना इतना मुश्किल था कि अमृता सिंह को भी उनकी बेटी को एडमिशन दिलाने के लिए स्कूल के हेडमास्टर के चक्कर काटने पड़े। सारा की स्कूलिंग के बाद उनकी मां ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज दिया, जहां सारा ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। सारा के माता पिता ने मीडिया को बताया था कि जब से सारा ने बचपन में पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय को ऑन स्क्रीन देखा था, तब से वे अभिनेत्री बनना चाहती थी। फिर भी सारा के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि सारा ग्लैमर की दुनिया में जाने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। हेलो मैगजीन की कवर गर्ल के रूप में 2012 में सारा अली खान अपनी माँ अमृता सिंह के साथ हेलो मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई। सारा और उनकी माँ को देखकर उनके फैंस सच में हैरान थे और उनके प्रशंसकों ने नोटिस किया कि उन दोनों की रिजेम्बलेंस मदर डॉटर से ज्यादा दो सगी बहनों जैसी लग रही थी। सारा का इस मैगजीन के लिए शूट उनकी लाइफ का पहला ऑन स्क्रीन शूट नहीं था। इससे पहले भी सारा एक टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए 4 साल की उम्र में शूट कर चुकी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद सारा को एक लंबे समय तक उनकी माँ से कंपेयर किया गया, पर सारा ने इस सब को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी माँ की विरासत को कायम रखने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय करना है। हेल्थ इश्यूज से जूझना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले सारा ने अपने वजन को लेकर काफी संघर्ष किया। जब वे मीडिया के सामने आई तो सारा ने अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बीमारी के बारे में बताया, जिससे वे लंबे समय से जूझ रही थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल किसी भी टीनेजर गर्ल और महिला में पाई जाती है। PCOS बीमारी के चलते सारा के हार्मोनल इंबैलेंस के कारण उनका वजन लगातार बढ़ता रहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले सारा ने PCOS के ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने वजन पर भी काम किया, जिसमें उनकी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी शामिल थी। फिलहाल सारा की हाइट 5'4" है और उनका वजन है 50 किलोग्राम। ओवरऑल वे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। रॉयल फैमिली से संबंध। सारा अली खान एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं।
सारा के पिता सैफ अली खान पटौदी शाही परिवार के पहले नवाब फैज तलब खान के वंशज हैं। फैज तलब खान ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान पटौदी रियासत के पहले नवाब थे। सारा का उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर साजिदा सुल्तान के माध्यम से भोपाल के नवाबों के साथ भी नाता रहा है। अपनी दादी की वजह से सारा का बंगाल के कवि और नोबेल प्राइज के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से भी रिश्ता रहा है। वास्तव में सारा एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उनकी वंशावली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टेनिस खेलना। सारा अली खान एक एथलेटिक प्लेयर भी है और अक्सर सारा अपने पिता सैफ अली खान और भाई इब्राहिम के साथ टेनिस खेलते हुए नजर आती है। सारा को सोशल मीडिया पर उनकी टेनिस पिक्चर्स को भी शेयर करते हुए देखा गया है, जिसमें सारा अपने स्पोर्ट्स वेयर में कमाल की दिखती हैं। सारा का टेनिस खेलना उनके फिट रहने की भी एक वजह है। सारा और बॉलीवुड स्टार निमृत कौर बहुत अच्छी दोस्त हैं। निमृत को हम द लंच बॉक्स सहित कई फिल्मों में देख चुके हैं। सारा और निमृत एक दूसरे के साथ टेनिस खेलती हैं और टिंसल टाउन की पार्टीज में भी एक साथ आती जाती हैं। ओरिजिनल फिल्म डेब्यू। सारा अली खान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म केदारनाथ से किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सारा को पहले हॉलीवुड की हिट फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की बॉलीवुड रीमेक में लिया गया था। ये कहानी दो लाइलाज किशोरों की बीमारी की कहानी है और इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर और सारा अली खान को कास्ट किया गया था, पर कुछ रीजंस की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। अब इस मूवी का रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली संजना सांघी होंगी। सारा का वर्कआउट रूटीन। अपने वजन को कम करने तक का सफर सारा के लिए आसान नहीं रहा। सारा की फिटनेस जर्नी में उन्हें सेलिब्रिटी ट्रेनर नम्रता पुरोहित ने गाइड किया, जिन्होंने करीना कपूर खान और मलाइका अरोड़ा सहित कई सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन किया है। इसके अलावा सारा अपने आप को फिट रखने के लिए पिलाटीज और एरोबिक्स करती हैं। और कुछ ही सालों में सारा ने अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सबको हैरान किया। गॉर्जियस एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सेलिब्रिटी ट्रेनर सिंडी जॉर्डन के साथ कई फिटनेस कैंप्स में भी भाग लेती हैं। इससे पहले कि हम इस लिस्ट के आखिरी पड़ाव की ओर चले, उससे पहले आप सभी ऑडियंस के लिए हमारे पास एक सवाल है। तो बताइए, आप कौन से बॉलीवुड स्टार किड को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें। हम देखना चाहते हैं कि कौन सा नाम टॉप पर होगा। फेवरेट एक्ट्रेस। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ज्यादातर एक्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करती और कुछ ऐसी ही कैट फाइट्स हमें देखने को भी मिली, जिनमें से कुछ फेमस भी हुई। लेकिन सारा अली खान इन सब से अलग अपने सभी को-स्टार्स और टीम मेंबर्स के साथ अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, और सारा वो सब कर पाती हैं जो उनके को-स्टार्स भी नहीं कर पाते। सारा की फेवरेट स्टार कटरीना कैफ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल ऐसी बहुत ही कम एक्ट्रेसेस हैं जो अपने कंटेम्प्रेरी स्टार्स को कंपटीशन की वजह से अपना फेवरेट स्टार माने, लेकिन सारा ने खुद को साबित कर दिखाया कि वे कितनी समझदार और अनुभवी हैं, जो अपने साथी स्टार्स की तारीफें करने से कभी नहीं कतराती। आपने जो देखा, क्या वो आपको पसंद आया? तो हमें लाइक बटन दबा कर सपोर्ट करें, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप और क्या देखने के लिए उत्सुक हैं, और हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। और भी अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।